INDIA का PM उम्मीदवार कौन? उद्धव ठाकरे ने खोल दिया सारा राज। अगर जीत गई INDIA तो राहुल गांधी क्या बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? अक्सर भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़े करती रहती है कि BJP और NDA की ओर से तो देश के प्रधानमंत्री फेस के लिए मोदी का नाम तय है, लेकिन INDIA गठबंधन का चेहरा सारे लोग मिलकर भी खोज नहीं पा रहे। अब इस पर उद्धव ठाकरे ने पर्दा उठा दिया और बता दिया है कि आखिर INDIA गठबंधन जीता तो प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए कई संभावित उम्मीदवार हैं और गठबंधन के भीतर एक निर्णय भी लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी ने कम से कम स्वीकार तो किया है कि हमारे पास इस पद के लिए कई चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस पद के लिए सोचने के लिए कोई दूसरा चेहरा तक नहीं है। उनके पास केवल एक ही चेहरा है जो गिनती में भी नहीं है। इंडिया आघाड़ी ही देशातली लोकशाही आणि देशाचं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी केलेली आहे। अत्यंत एक गमतीची गोष्ट आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आमच्या इंडिया आघाडीकडे अनेक चेहरे आहेत। आम्ही वर्षाला एक पंतप्रधान करू शकतो असं पंतप्रधान म्हणतात, याचा अर्थ त्यांनी मानलेलं आहे की त्यांचं सरकार येत नाही। आमच्याकडे चेहरा कोणा प्रश्नच नाही आहे, प्रश्न आहे तो भाजपाकडे, कारण भाजपाकडे एकच चेहरा आहे आणि तोही चेहरा चालत नाही। भाजप काही म्हणू दे, भाजप म्हणजे कोण ब्रह्मदेव नाहीये, त्याच्यामुळे नाही भाजप काही म्हणू दे। आम्ही इंडिया आघाडी म्हणून बोलतोय, भाजप म्हणजे आणि नरेंद्र मोदी म्हणजे ब्रह्मदेव नाही। परत एकदा सांगतो, आमच्याकडे इंडिया आघाडीकडे पंतप्रधान पदासाठी अनेक चेहरे आहेत, त्याच्याबद्दल सुद्धा काय करायचं हे आमच्या बैठकीमध्ये ठरलेलं आहे। पहिले त्यांना अंगावर यायचं तेवढं येऊ द्या, त्यांच्याकडे आता चेहरा नाही। अनेकदा मी म्हटलेलं आहे आणि मोदीजीच म्हणाले की एकच प्रॉडक्ट किती वेळा लॉन्च करणार, आता तोच प्रश्न त्यांना आहे। प्रत्येक वेळा निवडणूक आल्यानंतर हे बोवल्यावरती चढतात, 14 साली चढले, 19 ला चढले, 24 ला चढले, आणि आता तो चेहरा चालत नाही, मोदीला टच कुठेही नाही। आणि भाजपची पंचायत अशी झाली की निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आल्यावर ते पंतप्रधान पदाचा चेहरा बदलू शकत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना हरण्याशिवाय दुसरा आता काही पर्याय उरलेला नाही। उद्धवने सवाल पूछा की क्या BJP एक ही चेहरा पेश करने जा रही है? PM ने स्वीकार कर लिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि BJP के लोगों का आरोप रहता है कि विपक्ष के रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो उद्धव इस सवाल पर ही भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी जब भी नवाज शरीफ और अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान खाई गई बिरयानी को याद करते हैं तो ऐसे झूठ उछालते हैं। उन्होंने कहा कि BJP को पहले अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बारे में जवाब देना चाहिए। उद्धव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी थी, उन्हें जवाब देने के बजाय भाजपा बेशर्मी से हम पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि सांता क्रूज के एक होटल में आयोजित मीडिया सम्मेलन में उद्धव ठाकरे के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और विपक्षी गठबंधन के 3 प्रमुख दलों के नेता उपस्थित थे, जिसमें उद्धव ठाकरे ने इस बड़े बयान को दिया है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या वास्तव में NDA के सामने INDIA एक मजबूत गठबंधन बनकर उभरा है या फिर नहीं, क्योंकि इस पर मुंह हर तो अंतिम जनता को लगानी है। और हाँ, इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री किसका चेहरा होना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी के अमर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।